हाँ जी, क्या हाल? कैसा चल रहा है लॉकडाउन? मजा आने लग गया ना? यही तो चाहिए था, इतने दिन से यही तो चाहिए था हमें, है ना, यही चाहिए था यार। खैर छोड़ो, करते रहो मजे, करते रहो। पर एक वार्निंग है यार, क्योंकि हम लोग ना बहुत भोले हैं, हम बड़े जल्दी बह जाते हैं। तो इस बार जो ये वीडियो है, ये आपके लिए एक चेतावनी है, ठीक है, जिसे मैं खुद एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना, बहुत गहरे राज पता चलेंगे। हर बार जब भी हम कहीं नए स्कूल में गए, नए कॉलेज में गए, या फिर कहीं भी नए जगह पे गए, तो हमें कुछ क्या हुआ, कुछ लोग मिले, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम जब पहली बार कॉलेज में आए, तो हमारे साथ में जो पहला बंदा बैठा था, बंदा बंदी जो भी बैठा था, ठीक है, उसके साथ में हमने टिफिन शेयर किया, अपनी बातें शेयर की, बहुत सारी, कहाँ से, क्यों है वो, क्या है, ठीक है। 2 3 4 दिन हम लोग साथ में बैठे भी, ठीक है, हमें लगने लगा कि हमें अपना हमारा बेस्ट फ्रेंड मिल गया कॉलेज का, ऐसा होने लगा था ना। बट क्या हुआ, आज वो दोस्त है नहीं है, अक्सर ज्यादातर केसेस में वो दोस्त नहीं है, बहुत कम लकी बंदे ऐसे हैं जिनका वो दोस्त है। तो गाइस, हम बहुत जल्दी जैसे कि बह जाते हैं, तो इस बार हमें थोड़ा सा सख्त रहना है। क्यों? क्योंकि इस बार जिनके साथ में हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं ना, ठीक है, वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौन? घर वाले। अरे लॉकडाउन चल रहा है यार, तुम्हारे पास में बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास में FB, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जितने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। हम में से कुछ लोग तो टिंडर विंडर पे भी लगे हुए हैं, ठीक है। पर कुछ लोगों के पास में, जिनके पास जिनकी जॉब नहीं लगी है, उन्हें ये टेंशन है कि अब जॉब कैसे लगेगी, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम भी आने वाले हैं, कुछ सीखना है, कुछ करना है। जिनकी जॉब लग गई है, उनको बेचारों को सबसे बड़ी टेंशन है कि ये जो हमने पैसे जो जोड़ रहे थे बैंकों को जाने के लिए, अब इन पैसों को क्या करें। अब नॉर्मल ट्रेडिशनल संस्कारी बच्चों की तरह हम FD, प्लॉट खरीदना, सेविंग्स, इंश्योरेंस, ये तो कर नहीं सकते ना, ये तो हमारी शान के खिलाफ हो जाएगा, पता है, ठीक है, चलो चिल मारो। अब टेंशन हमारे पास इतनी सारी की सारी है, कुछ बंदों को तो इतनी ज्यादा टेंशन है कि उनके तो घर भी इस दौरान ही बस जाएंगे और इस दौरान टूट जाएंगे, वो बेवफाई का टैग लेके, बेवफाई का टैग दे के बैठ जाएंगे, ठीक है। पर जो हमारे घर वाले ना, उनको जरा ध्यान से देखो, उनके पास में कौन से काम है उनका, बल्कि जो पूरी जिंदगी का मकसद था ना, तुम्हें घेर के बैठाना, ठीक है, तुम पे कंट्रोल करना, तुम्हें घर में रोकना, वो पूरा हो चुका है। अब कहाँ जाओगे? कॉलेज जाओगे? जरूरी क्लास है, आज छुट्टी नहीं कर सकता, आज एक्स्ट्रा क्लास है, दोस्त के पास पढ़ने जाना है, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। इसलिए अब क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सा संभल के खेलना है। घर वाले क्या करेंगे, अब तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। दोस्ती कैसे करेंगे वो, सबसे पहले तो तुमने जस्ट भी देख भी रहे होंगे आजकल कि तुम्हारे सोशल मीडिया यूज़ करने पे, तुम्हारे फ़ोन यूज़ करने पे, ठीक है, तुम्हारे लेट के टीवी देखने पे, बैठ के टीवी देखने पे, तुम्हारे जब खाना खाना है, ठीक है, वो पे कोई रोकना टोकना बंद हो चुका है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गया। आजकल घर वाले तुमसे पूछते हैं, पहले क्या होता था कि तुम पूछते थे क्या बना है, टिंडे बने हैं, खा ले, मैं नहीं खा रहा, बे फ्लाइंग सोसर आई या उड़ती चप्पल आई और लौंडा टिंडे खाता मिल गया तुरंत ही, ठीक है। पर क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, बेटा क्या खाएगा, तुम क्या होगा, मम्मी पिज्जा, केक, पाव भाजी, ठीक है, और वो बन जा रहे हैं भटूरे, बन जा रहे भाई भटूरे, बन जा रहे हैं, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है कि घर वालों को तुम्हारी चिंता हो रही है, अब प्लान है, ठीक, पहले वो तुम्हारी फेवरेट सब्जी और ऐसी ऐसी चीज़ें पूरी करेंगे, ठीक है, फिर तुम्हारे गंदे गंदे जोक्स फैलेंगे जिन पे तुम्हारे कंजर दोस्त भी ना हंसे, मैं ना हंसूँ वो, ठीक है। पर उसके बाद क्या करेंगे, तुमसे तुम्हारे दोस्तों के हालचाल पूछना शुरू करेंगे, क्या
कि अरे वो तेरा दोस्त था, क्या करता है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे, वो तो मैंने देखा तो बड़ा बिगड़ा सा लगता है, और ये वो ठीक है। तो उन्हें जहाँ तुमने अपने दोस्तों की बातें बतानी शुरू कर दी, वहीं तुम 50% नॉकआउट हो गए। बातें बताओ दोस्तों की, पर लेकिन भाई स्ट्रेटेजी के साथ बताओ। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन कभी तो ख़त्म होगा, अपने दोस्तों की तारीफें करो, वो बहुत अच्छा है जी, मम्मी वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत शरीफ बंदा है, और मतलब कि बुराई बिल्कुल मत करना, बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है, ये वो तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ उसके साथ तैयारी करूँ, कि ताकि तुम्हें मौका मिल जाए घर से बाहर निकलने का लॉकडाउन के बाद। ठीक है, उनके हथियारों को हमें उन पे इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, फिर वो धीरे धीरे करके जब तुम्हारे घर तुम्हारे दोस्तों की बातें जानने लग जाएंगे ना, तो फिर वो धीरे धीरे करके इमोशनल होके तुमसे बोलेंगे कि बेटा हम तुझे भी टाइम नहीं दे पा रहे, हमारे ऑफिस की वजह से या सोसाइटी या ये, तेरे पास टाइम नहीं है, ये वो फलाना ढिंकाना, ठीक है, तो तू ये क्यों नहीं कर लेता, तू वो क्यों नहीं कर लेता, तू अपना पैशन बताओ, ये बता वो बता, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, हम भी देखा है तो करेंगे। पर तुम्हें जब भी सख्त रहना, ठीक है, कुछ नहीं बोलना है भाई, क्योंकि अगर जो भी तुमने बोला समझना तो उन्हें कुछ नहीं है, तारे ज़मीन पर हमने भी देखी है, तुमने भी देखी है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि मैं अमीर खान बन जाऊँ, ठीक है, आमिर खान में बन जाऊं, पर आमिर खान नहीं बनता, वो बनता है ईशान अवस्थी का पापा। हर कोई माँ बाप ही चाहता है, सेफ खेलना चाहते हैं यार, ठीक। तो इसलिए कुछ बातें लीक नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, चुप रहना है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक। अपना लॉकडाउन शांति से गुजारो, और एक बहुत पुरानी सेइंग है, ये इश्क नहीं आसान, तो हम यहाँ पे इसे इश्क तो है नहीं हमें, तो ये लॉकडाउन नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और हमें साइड से निकल जाना है। तो भाई इन पे भरोसा मत करना, बहुत हमारे बाप है यार वो, जितना चुप रहोगे सेफ रहोगे। चलो भाई, स्टे होम एंड स्टे सेफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।